हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आल क्यूप स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस की जो है न्यू वैकेंसी आ गई फ्रेंड्स है। बिहार पुलिस में फ्रेंड्स जो है कांस्टेबल ड्राइवर के पद आए हुए हैं और होमगार्ड के पद आए हुए हैं। और इसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो फ्रेंड्स योग्यता मात्र 12वीं पास मांगा गया, यानी कि जितने भी कैंडिडेट 10+2 पास किए हुए हैं वे सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह वैकेंसी सभी राज्य के लिए है फ्रेंड्स है। जो लोग हैं आवेदन करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए है अवेलेबल आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वेबसाइट पर चलकर देखेंगे हैं इसमें क्या क्या पूरी जानकारी दिया गया है। फ्रेंड्स सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ है, इंडियन आर्मी या फिर किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड आप लोग वैकेंसी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को जो है सबसे पहले जो है न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलकर देख लेते हैं वेबसाइट पर पूरी जानकारी क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं वेबसाइट पर आ गए फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2019 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक तरफ दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिया गया है। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट दिया गया है यहाँ पर 20 अक्टूबर से, यानी कि आप लोग फॉर्म अप्लाई जो है 20 तारीख से कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसका लास्ट डेट जो है वह जो है 20 नवंबर दिया गया, यानी कि आप लोगों को पूरे जो है इसको ऑनलाइन करने में के लिए है पूरे 1 महीने का समय मिल रहा है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट से एप्लीकेशन फीस की अगर सबमिशन की करें तो बात हम तो यहाँ पर जो है 20 नवंबर ही दिया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर अवेलेबल सून लिखा गया है, जैसे जानकारी आप आती है मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस फ्रेंड्स जो है जनरल EWS और EBC और BC के लिए जो है यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे जो है 450 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और ST SC और PH के लिए मात्र 112 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और यह पेमेंट आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग जो है इसको भर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जॉब लोकेशन, ठीक है, जॉब लोकेशन आप लोगों का जो है बिहार में ही लगने वाला है, क्योंकि यह बिहार की वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करो फ्रेंड्स, जो है मिनिमम एज जो है यहाँ पर जो है 20 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष मांगा गया है। और यहाँ पर जो है अपर लिमिट, यानी कि आप लोगों को जो छूट मिलता था OBC के लिए 3 वर्ष का छूट मिलता है और ST SC को 5 वर्ष का छूट मिलता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को वह छूट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, तो ये टोटल कितनी वैकेंसी है फ्रेंड्स, टोटल जो है 98 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें फ्रेंड्स है सभी जो है यहाँ पर दिए गए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर दिया गया है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर नन होम गार्ड जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 49 पोस्ट आया हुआ है और जनरल पोस्ट जो है यहाँ पर 20 आया हुआ है, ठीक है। और EWS के लिए 5 पोस्ट आया हुआ है और ST के लिए जो है 8 पोस्ट आया है। और यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ST के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है और BC के लिए 6 और MBC के लिए जो है 8 पोस्ट आया हुआ है और BC फीमेल के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। और पूरे देख लेते हैं होमगार्ड के लिए जो पोस्ट आया हुआ है 49 पोस्ट, उसमें देख लेते हैं जनरल के लिए 20 पोस्ट आया हुआ है और EWS के लिए जो है 5 पोस्ट आया हुआ है, ST के लिए 8 पोस्ट आया हुआ और ST के लिए मात्र 1 पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं BC पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं BC के लिए 6 पोस्ट आया है और MBC के लिए 8 पोस्ट आया है और BC फीमेल के लिए जो है 1 पोस्ट आया है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं पे स्केल, यानी कि आप लोगों का वेतन कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों का वेतन जो है 5000 रुपये लेकर 5200 से लेकर 20200 रुपये पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रेड पे के लिए यहाँ पर जो है 28000 रुपये प्लस दिया जाएगा, 2800 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरमीडिएट मांगा गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल डिटेल्स में, यहाँ पर जैसे आप लोगों को जनरल और BC और EBC के लिए यहाँ पर जो है मात्र 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, हाइट। और यहाँ पर 155 जो है फीमेल के लिए मांगा गया और ST SC के लिए 162 मांगा गया है और फीमेल के लिए जो है 155 मांगा गया, ठीक है। और यहाँ पर गोरखा बटालियन के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेस्ट की अगर बात करो फ्रेंड्स, जो है चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मांगा गया है और आप लोगों को 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, जो कि आप लोगों का 86 हो जाएगा, ठीक है। और ST SC के लिए मात्र जो है 79 मांगा गया है सेंटीमीटर है और फुलाने 5 सेंटीमीटर आप लोगों को 84 होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल्स दिए गए हैं जिनको आप लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली चलकर है ऑनलाइन करने का, जहाँ पर दिया गया लिंक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आ गए हैं और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग क्लिक हियर पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर लॉगिन करके है जो है क्लिक हियर पर क्लिक करके कंप्लीट कर लेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस पैटर्न भी दिया गया, एग्जाम पैटर्न दिया गया है, तो आप लोग क्लिक हियर पर क्लिक करके इसको भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, आप लोग चाहते हैं डाउनलोड करना है तो आप लोग इस क्लिक हियर पर क्लिक करके जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई जानकारी रह जाती है तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पर चलेंगे जाएंगे तो आप लोगों को सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। यदि फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग डायरेक्ट हमको कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है 100% दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है हमारे चैनल पर ऐसे ही जो है डेली की डेली जो है न्यू वैकेंसी मिलती रहेंगी, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही जो नए नए वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।